हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और ये जो वीडियो है पार्ट टू है, आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट वन देख सकते हैं। तो एनडीटी में क्या क्या जॉब्स है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में हम इस पार्ट टू में अभी इसमें हम बात करेंगे। तो जिसमें ये ऊपर आपने टिक मार्क देख रहे हैं कि एज ए एनडी टेक्नीशियन जॉब, एज ए मल्टी एनडी टेक्नीशियन जॉब, एज ए कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर जॉब, इसके बारे में मैंने पार्ट वन में बताया। आपने अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल जॉब्स के बारे में। तो प्रोफेशनल जॉब में एनडीटी क्यूए क्यूसी जॉब, इंजीनियर जॉब, फिर उसके बाद में आता है टीपीआई जॉब, एज ए टीपीआई जॉब किस तरह से कर सकता है एनडीटी टेक्नीशियन, और एनडीटी टेक्नीशियन ओपन फील्ड एनडीटी टेक्नीशियन किस तरह से जॉब करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज प्रोफेशनल जॉब, इसमें एक इसे ऑफिशियल एनडीटी जॉब भी कहा जाता है। इसमें आप एक क्यूए क्यूसी की तरह जॉब कर सकते हैं, जिसमें एनडीटी लेवल 3 जॉब। एनडीटी लेवल 3 जॉब मीन्स कि वो एक उसको एनडीटी के सभी मेथड्स का नॉलेज होता है, या किसी एक मेथड में पूरा नॉलेज होता है, उसको एनडीटी लेवल 3 बोला जाता है। वो एक क्यूए क्यूसी जॉब है, इसमें उसकी हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे कोड स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ जानकारी होती है, ASME वगैरह की, ASME, ASNT, ASTM वगैरह सब कुछ उसको पता होता है। वो एक बहुत हाई लेवल जॉब होती है। उसके बाद आता है एनडीटी लेवल 2 क्यूए क्यूसी टेक्नीशियन जॉब। ये जॉब आप अगर लेवल 2 है तो आप क्यूए क्यूसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बिंदास किसी भी क्यूए क्यूसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनडीटी लेवल 2 है, आपको इसमें सिर्फ एक रिज्यूम बनाना है क्यूए क्यूसी के हिसाब से, और क्यूए क्यूसी का रोल क्या रहता है, काम क्या रहता है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेना रहेगा इसमें। और वो जानकारी आप YouTube से या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्ट क्यूए क्यूसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक तरह से क्यूसी इंस्पेक्टर जॉब आप डायरेक्ट अपना डिजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं, एज ए टेक्नीशियन से डायरेक्ट क्यूसी इंस्पेक्टर। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको डायरेक्ट क्यूए क्यूसी इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रोफेशनल जॉब है। एनडीटी टेक्नीशियन जो भी होता है वो एक अपने एनडीटी टेक्नीशियन फील्ड से डायरेक्ट प्रोफेशनल जॉब में जा सकता है। उसके बाद जैसे एनडीटी क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर में, ऐसे आप अगर लेवल 2 है किसी भी मेथड में, या आपने बहुत सारे मेथड्स में लेवल 2 कर रखा है, तो इस तरह से आप नॉलेज लेके क्यूए क्यूसी का, और आप क्यूसी इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल जॉब है। फिर आता है टीपीए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर जॉब, जिसको ये भी एक प्रोफेशनल और ऑफिशियल एनडीटी जॉब है। इसमें आप एज ए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, मीन्स आप अगर लेवल 2 है, अलग अलग मेथड्स में UT, PT, MT, RT, VT जो भी है सब में, किसी में भी या फिर एक ही फील्ड में, तो आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या छोटी बड़ी कंपनी को पकड़ के वहाँ से उसके एज ए TPI इंस्पेक्टर के हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं जो एज ए TPI इंस्पेक्टर के तौर पे इंस्पेक्टर जो एनडीटी लेवल 2 होते हैं उनको खोजती है कि उनके जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं वो देखने के लिए। तो आप एज एक TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, जिसे TPI कहा जाता है, तो इंजीनियर इंस्पेक्टर बन के आप जॉब कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको कहीं भी साइट पे जाना होता है, वहाँ पे आपको विजिट करके और वो जॉब का इंस्पेक्शन करना होता है। तो इस तरह से आप एक एज ए TPI जॉब कर सकते हैं एनडीटी टेक्नीशियन होके। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान जॉब है। इस एनडीटी में बहुत तरह की अलग अलग जॉब्स है जो एनडीटी टेक्नीशियन कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा डाइवर्ट, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पैसा, मतलब पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, इसलिए पढ़ते रहिए। और उसके बाद में प्रोफेशनल जॉब में आता है एज ए ओपन फील्ड एनडीटी टेक्नीशियन। ओपन फील्ड एनडीटी टेक्नीशियन कौन होता है, सपोज कीजिए आप एक UT टेक्नीशियन है और आपको अच्छा नॉलेज है, जिसमें आप TOFD हो सकते, TOFD का अच्छा नॉलेज हो सकता है, या और भी मेथड का नॉलेज हो सकता है। तो जिस मेथड का नॉलेज आपको, रेडियोग्राफर है या जो भी है, PT टेक्नीशियन है या MPI टेक्नीशियन है, तो आप एक इसमें क्या कर सकते हैं, खुद अपना एक फील्ड मतलब कोर्स करवा सकते हैं किसी से, किसी को, या एक क्लास खोल सकते हैं ऐसे, और उस ग्रुप्स बना के किसी को पढ़ा सकते हैं कुछ पैसा लेके, इस तरह की जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटे मोटे किसी कंपनी में, आप ओपन फील्ड में कहीं उन किसी का इंस्पेक्शन होता है, जैसे कहीं UT टेक्निक टेक्निक से किसी का जॉब
करना होता है, तो आप वहाँ जाके उसका जॉब करके पैसा ले सकते हैं, पर डे जॉब ले के हिसाब से पैसा ले सकते हैं। और इसमें शटडाउन जॉब, इसमें क्या है, कोई भी बहुत सारी कंपनी में आपने देखा होगा शटडाउन जॉब्स आती रहती है, तो आप ओपन फील्ड जॉब, इसमें अच्छा पैसा रहता है। और शटडाउन जॉब्स आप ये उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर लेके रख सकते हैं, और आप साल में उनसे एक दो बार कॉन्टैक्ट करते रहें, जिससे आपको पता रहे कि उस कंपनी का शटडाउन जॉब कब आता है, और उस कंपनी से कॉन्टैक्ट टच में रहें। जैसे आप अगर चार पांच कंपनी के टच में रहते हैं, तो आपको इजीली शटडाउन जॉब मिलते रहेंगे साल में, और शटडाउन जॉब में काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है, और इस तरह से आप अच्छी जॉब से मतलब कर सकते हैं ओपन फील्ड में, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत तरह की ऐसी जॉब है, इसके अलावा भी एंड्री टेक्निक्स में बहुत तरह की ऐसी जॉब्स है जो आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं इस तरह से और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।